आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बनकट बाजार में खुला भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा द्वारा संचालित दिल्ली क्राइम प्रेस का कार्यालय। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के अंतर्गत स्थित बनकट बाजार में भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा द्वारा संचालित दिल्ली क्राइम प्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मोर्चा के हेड ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के दौर में समाज ने पूरी तरह से बुराइयां कूट कूट कर भरी हैं। आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ उनकी पूंजीपतियों के आगे गरीब जनता लाचार हो गई है। गरीब जनता की कोई सुनने वाला नहीं रह गया। ऐसी हालत में हमने इनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इस मोर्चे का गठन किया है, जिसके तत्वावधान में अखबार, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया चलाकर जगह जगह कार्यालय खोला जा रहा है। इसी कड़ी में बनकट बाजार में भी इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आने वाले दिनों में इस कार्यालय से या हमारी संस्था से जुड़कर समाज के लोग अच्छा काम करेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर, हमारा नाम लक्ष्मण है। ये किस तरह का यहाँ प्रोग्राम है, कैसा उद्घाटन है? सर, ये दिल्ली क्राइम प्रेस NGO प्लस दिल्ली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा जो पत्रकारिता ग्रुप में काम करता है सर, ये दिल्ली से रजिस्टर्ड है, 2005 से रजिस्टर्ड है सर। अब तक इसमें कम से कम 2.5-3 लाख लोग वर्क कर रहे हैं सर। ये ऑल इंडिया हमारा वर्क है सर, दिल्ली क्राइम प्रेस का। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और क्राइम कम हो, भ्रष्टाचार को कम से कम खत्म करने का मेन उद्देश्य हमारा है। जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही हमारा मेन उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार कम हो। यहाँ की जिम्मेदारी आपने किसको सौंपी है? यहाँ की जिम्मेदारी हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे सहपाठी उबैद जी हैं, इन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी दी गई है। इस ऑफिस को खोलने का मेन उद्देश्य है कि हमारे जो भी मेम्बर उनको किसी भी तरह की समस्या होती है ऑफिस पे आके मिलें, गुड्डू सर या उबैद जी से बात करें, बाकी इनसे जो भी काम न होने के बाद तब हमारे पास बात जाएगी सर। कभी कभी पत्रकारिता करते समय छोटे मोटे ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को पुलिस फर्जी मुकदमे में भी फंसा देती है, ऐसा अगर आपके किसी मेंबर के साथ होगा तो आप उसकी सेहत तक वो लड़ाई लड़ेंगे या कहाँ तक न्याय दिलाने में सक्षम होंगे? जी सर, हम सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहेंगे सर, दिल्ली क्राइम प्रेस का मेंबर का कार्ड हम बनाते हैं सर, आपकी सेफ्टी के लिए प्लस और भी समस्याएं जो भी हैं उस हिसाब से काम करिए। लेकिन हम ये बताते हैं कि आप मेंबर का कार्ड बना के आपको दिया जा रहा है तो आपको रिपोर्टिंग करने का हक नहीं है। आपको रिपोर्टर करने के लिए रिपोर्टर कोर्स करना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है आपको। मेरे बेस पे ही आप कोई भी न्यूज़ अपने मोबाइल से कवर करिए, जो भी मुद्दा आपको बताए उस हिसाब से न्यूज़ बना के चलाया जाएगा। अगर पुलिस उसे फंसा दिए तो पुलिस से कैसे निपटेंगे? सर, पुलिस अगर आप गलत मत करिए आपको कोई टच नहीं करेगा। देखा जाता है कि पुलिस अक्सर आम आदमी को उठाती कहीं से है, दिखाती कहीं से है, मिलता कुछ और है, बरामदगी कुछ और दिखाती है। जी सर, ये हालत अगर आपके पत्रकार के साथ होगी तो क्या करेंगे? जी सर, हमारे पत्रकार को हमने पहले आगाह किया हुआ है कि आप कोई भी ऐसा काम न करें जो कानून के विरुद्ध हो। अगर आप गलत काम कोई भी करते हैं उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, अगर आप सही हैं तो आपके साथ पूरा दिल्ली क्राइम प्रेस है सर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।